ऐसा मेरे मालिक, मैंने दुनिया का हर सितम, हर जुल्म तेरी रजा समझ कर जहर लिया है मेरे मालिक। मेरी बेटी का दामन खुशियों से भर दे या मेरे मालिक, मेरे वसवसे अंदेशे सब दूर कर दे या मेरे मालिक। मुझे और आजमाइश में मत डालना या अल्लाह। मुझे वहां जाने का मौका ही नहीं दिया कि मैं देखती ड्रॉप सीन क्या हुआ। पता नहीं ड्रॉप सीन क्या हुआ होगा। नौफल ने अपने जज्बात पे काबू कर लिया तो अब तो सुबह ही पता चल सकेगा कि क्या हुआ। या अल्लाह, मेरी बेटी की जिंदगी में बहुत मुश्किल से खुशियां आई हैं। अल्लाह मेरी बेटी की खुशी को किसी की नजर ना रखे, मेरी बेटी का हमेशा घर आबाद और शाद रखता या मेरे मालिक, या मेरे मालिक। हर नजरे बंद से मेरी बेटी को बचाना या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम। तोहमत नहीं लगा रहा, तुम्हें आईना दिखा, सीधी सादी शराफत के लिबास में छुपी हुई गुल की शक्ल दिखा, जो दुनिया के सामने तो कुछ और हकीकत में कुछ और। इससे अच्छी तो वो रुशना है जो सब कुछ डंके की चोट पे करती है, तुमसे लाख दर्जे बेहतर। कम से कम खुलकर दुनिया के सामने बेवफाई तो की, अपने महबूब का हाथ पकड़ के चली गई, तुम्हारी तरह छुप छुप के नहीं मिलती। शादीशुदा होके इस मुकद्दस रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ नौफल। तुम तो मेरा मान थे, मेरे हाफिज, मेरा यकीन थे। अगर तुमने आज अपने हाथों से सब कुछ तोड़ डाला, मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं। पर ये बात, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कुल कोई ना, एक पल की खुशी और दुख बेपना, छीन लिया मुझसे मेरा मां इस भरी दुनिया में, फिर से मुझे अकेला कर दिया। फातिमा, क्या हो गया, ऐसे क्यों गुमसुम खड़ी हो? आखिर मुझे तो बताओ, फायजा ने फिर कुछ कहा होगा तुमसे? तुम तो जानती हो कि उसकी आदत है, क्यों दिल पर ले लेती हो तुम उसकी बातों को? अम्मा जी, गुल आई है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। गुल आई है तो क्या हुआ? आकर मेरे गले लग गई और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं बताया। क्या थी अम्मी, मुझसे मत पूछे, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। रोते रोते अपने कमरे में चली गई। फातिमा, तो तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? क्या बताती आपको, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और फिर उसने कौन सा बात सुननी थी, कमरे में बंद कर लिया उसने अपने आप को। या अल्लाह, रहम करे, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है इस वक्त। अरे फातिमा, तुम परेशान मत हो, मेरी बात सुनो। देखो, अभी नई नई शादी हुई है और इस तरह शादीशुदा जिंदगी में ऊंच नीच तो चलती ही रहती है ना, तुम परेशान मत हो, चुप हो जाओ। अम्मा जी, बहुत डर लग रहा है मुझे। नहीं, तुम घबराओ नहीं, बस सब ठीक हो जाएगा, चुप हो जाओ।